नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार। ये हमने मोटी मिर्ची ली है। अगर आपको तीखा चाहिए, क्योंकि ये तीखी नहीं होती हैं, और अगर तीखा चाहिए तो इसमें पतली मिर्चियाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। 250 ग्राम मैंने मिर्ची लिया है और इन्हें धो करके छलनी में रख दिया था, और अब हम इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो मिर्चियों को हमने कोई धूप नहीं लगाई है, ना पंखे के नीचे डाला है, बस धो करके छलनी में रखा था, और अब इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे इसका पानी एक्सेस सारा सूख जाएगा। और इसके डंठल को काट करके हम इसे अचार को डालेंगे। देखिए, मिर्ची का जब अचार डालते हैं तो डंठल को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, डंठल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर हम इंस्टेंट मिर्ची का अचार बनाया है। ये देखिए, बिल्कुल इसमें ऑयल की मात्रा कम है और बहुत ही लाजवाब बनता है ये अचार। आप इसे बना करके फ्रिज में रख दीजिए, हफ्ते भर आपका ये ख़राब नहीं होगा अचार। इसमें अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो इसमें ज़्यादा ऑयल डालिए और फिर उसके बाद आप इसको चलाइए। क्योंकि मैंने जो अचार बनाया है, मैं अपने घर में जो बनाती हूँ, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारा ये 2.5 महीने पुराना अचार है। ये इसी मेथड से मैंने बनाया है और कहीं पे भी कोई फंगस नहीं है। अधिकतर क्या होती है, हम मिर्ची के अचार को खट्टा करने के लिए या तो विनेगर डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, और या फिर हम राई डाल करके सोचते हैं कि ये राई का खट्टापन इसे खट्टा कर देगा। तो यहाँ पे जब तक राई खट्टा करेगी अचार को, तब तक मिर्ची के अंदर फंगस आ जाती है और तब तक मिर्चियाँ पानी भी इसमें से छोड़ने लग जाती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मिर्ची के अचार में। और अब आप देख रहे होंगे मेरी बर्निंग कितनी रफली हो रही है, मतलब चारों तरफ मसाला भी लगा, लेकिन कहीं पर फंगस का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ सुथरी, और इसमें अच्छा खासा खट्टापन है। तो यहाँ पे देखिए, मिर्चियों को हमने पोंछ लिया कपड़े से। अब हम इसे कैसे भी बना सकते हैं, या तो आप बीच में से साबुत पूरी मिर्ची को चीरा लगाइए और बीच में मसाला भरिए, या फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो इससे थोड़ा छोटे टुकड़े में काटने का मतलब भी यही होता है कि आप अगर किसी ने बड़ी पूरा एक मिर्ची नहीं खानी है तो एक छोटा सा टुकड़ा ले सकता है वो। तो मैं जो घर में बनाई, तो मैंने पूरी मिर्ची जो बीच में से चीरा लगा करके उसमें मसाला फिल किया था और उसे भरनी में डाल करके हमने बनाया था। तो यहाँ पे आज हम छोटी टुकड़ों में इसे बना रहे हैं। तो देखिए, मिर्ची का जो अचार होता है बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मतलब इसके जो डंठल होते हैं वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, डंठल निकालना चाहिए और पानी को अच्छे से पोंछ देना चाहिए। अब ये बिल्कुल तैयार है, कट हो गई हैं। और यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें डाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पीला सरसों लिया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सौंफ, काला नमक 1 चम्मच और सादा नमक 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, हींग पिंच ऑफ, और यहाँ पे साइट्रिक एसिड। ये देखिए, साइट्रिक एसिड ये इस टाइप का कुछ होता है पैकिंग, और इसमें चीनी के दाने के जैसे ये साइट्रिक एसिड होती है। इसे नींबू का सत भी बोला जाता है। तो ये क्या काम करती है, एक तो ये 20 से 25 रुपए में मिल जाता है और काफ़ी दिनों तक चलती हैं ये। तो यहाँ पे 1 टी एस पी मैंने लिया है ये, थोड़ा ही, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी मिर्चियाँ खट्टी भी हो जाएंगी, प्लस हमारी मिर्चियों के अंदर जो एक ये मतलब कि इसे ख़राब भी नहीं होने देंगी। इसके अंदर जो पानी की मात्रा निकलती है मिर्ची के अचार में वो नहीं होगा, बिल्कुल भी इसमें से पानी नहीं निकलेगा और ये ख़राब भी नहीं होने की। मैंने आपको दिखाई है 2.5 महीने पुरानी मिर्ची का अचार है मेरा, और अब ये और भी चलेगा। अब मैंने क्या करना है, सौंफ, राई और अजवाइन, इनको पाउडर बना लेना है। तो वो मैंने बना के रखा हुआ है। तो मैंने मिक्सी में पीस के अच्छा बारीक पाउडर बना चुकी हूँ, और ये देखिए पाउडर हमारा ये बन चुका है। तो मैं बना करके असल में रखती हूँ डब्बे में भर करके, ये आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं मसाले को। अब हम मिर्ची को एक बाउल में डाल दिया है और इसमें जो हमारा मसाला हमने पीसा था वो हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो ये 3 से 4 मतलब चम्मच हमारा मसाला है जो मैं सारा ही ऐड करूँगी इसमें। तो 3 चम्मच अभी डाली हूँ, हींग डाल दूंगी इसमें, काला नमक,
ये रेगुलर सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम बाकी का भी मसाला और हमारा साइट्रिक एसिड डलेगा, तो इसे मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से। और अगर आपको छोटे पीस में नहीं करनी मिर्ची का अचार तो आप बीच में से कट कर लेना। ये हमने साइट्रिक एसिड इसमें ऐड कर दी है, उसे हमने कोई मैंने पीसा नहीं है, वो इसी में अपने आप मेल्ट हो जाएगी। तो आप मिर्ची को चीर करके इस मसाले को भर करके बीच में अब बना सकते हैं। अब हम इसमें तेल ले रहे हैं सरसों का। देखिए कभी भी कोई भी अचार डालें अगर आप सरसों का तेल ही डालें, कभी आप देखते हैं पंजाबी अचार में कितनी अच्छी खुशबू आती है। अगर वो कहीं भी अगर वो अपने अचार का डब्बा खोल देना तो उस एरिया का पूरा एरिया महकने लगता है। तो वो बस यही होता है रीज़न कि अचार में जो तेल डालते हैं सरसों का होता है, प्लस वो कच्चा रहता है, उसे पकाया नहीं जाता, और इससे ही अचार बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अच्छा, तेल को हम जो पका करके डालते हैं, ये थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल है, पका करके डालने से अचार आपका उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। अब ये अचार हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी इसे हम चाहे एक दो घंटे बाद खा सकते हैं, इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है तो इसमें और भी तेल डाला जाएगा, और इसे बर्नी में डाल के आप रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।